Warm hello to all the learners of Mathematic Maths Adda. This is Vinay Pandey here again. Sequences का second video आज मैं लेकर के आया हूँ. इसका जो last video था उसमें हमने sequence के बारे में पढ़ा था कि sequence कैसे define होता है, कैसे sequence एक function था जो natural number से real numbers में एक mapping कर रहा था. तो उसके बाद upper bounds, lower bounds के बारे में देखा, infimum, supremum मैंने आपको बताया. तो आज का जो video है वो बेस्ड है कन्वर्जेंट सीक्वेंस पे. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कन्वर्जेंट सीक्वेंस. एग्जाम में एक क्वेश्चन कन्वर्जेंट का हमेशा आता है कि चेक द कन्वर्जेंट ऑफ द सीरीज, चेक द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज. कोई भी एक सीरीज आपको दी जाएगी और उस सीरीज से आपको चेक करना होगा कि वो जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को पहले समझते हैं, उसके बाद ये डेफिनेशन पर आते हैं. कन्वर्जेंट का मीनिंग क्या होता है? अगर मैं बात करूं, आपको कोई सीक्वेंस दिया है ए एन, अगर ये सीक्वेंस जो है पर्टिकुलर टर्म्स के बढ़ने के साथ, अगर हम देखें कि जैसे मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूं ए एन, इसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे. टर्म्स क्या होंगे? ए वन होगा, ए टू होगा, क्योंकि एन की वैल्यू हम नेचुरल नंबर रख रहे थे तो इस तरीके से टर्म्स आएंगे. तो इसमें होगा क्या, जैसे जैसे वैल्यू एन की वैल्यू इन्फिनिटी की अगर टेंड होगी, किसी भी सीक्वेंस में अगर हम एक सीक्वेंस लिख रहे हैं, उस सीक्वेंस में अगर हम जैसे जैसे इन्फिनिटी की ओर टर्म्स को लेके जाएंगे और जो ये एनथ टर्म है ए वन ए टू ए थ्री, इसका एनथ टर्म क्या आएगा? ए एन आएगा. इस तरीके से जैसे जैसे एन की वैल्यू इन्फिनिटी की ओर टेंड करेंगे तो इसका जो आगे के लास्ट टर्म्स हैं एक फाइनाइट वैल्यू की ओर अगर जा रहे हैं, एक फाइनाइट वैल्यू की ओर अगर ये सीरीज टेंड हो रही है, तो उस केस में उस सीरीज को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस. और अगर ये जो सीक्वेंस है एन की वैल्यू इन्फिनिटी की ओर जाने के बाद, एन की वैल्यू बढ़ाते हुए अगर हम इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहे हैं, तो ये सीरीज अगर इन्फिनिटी की ओर टेंड हो रही है, अगर इसकी वैल्यू जो है इन्फिनिटी आ रही है, तो उस केस में ये सीरीज क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट हो जाएगी. और यहाँ क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करूँ वन अपॉन एन, इसको न्यूमेरिकली हम डेफिनेशन से सॉल्व भी करेंगे अभी. इसमें आप देखिए, पहले वन आएगा, फिर वन बाय टू आएगा, वन बाय थ्री आएगा, वन बाय फोर आएगा, एंड सो ऑन. मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी ये बताया था कि इसके अपर बाउंड और लोअर बाउंड हमने निकाली थी. तो ये जो सीरीज है इसमें आप देखिए, अगले जो टर्म्स आ रहे हैं बार बार, जो नेक्स्ट टर्म कंजिकेटिव टर्म्स हम निकाल रहे हैं, तो उनकी वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज होते जा रही है. वन, फिर पॉइंट फाइव, फिर ऐसे करके क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू जो है बार बार डिक्रीज होते जा रही है. तो जैसे हम इसकी वैल्यू इन्फिनिटी की ओर टेंड करेंगे, तो ये वैल्यू कहाँ की ओर टेंड होगी? जैसे जैसे इसको हम इन्फिनिटी की ओर टेंड करेंगे, तो वन अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. तो ये जो वैल्यू है जीरो की ओर टेंड हो रही है, और जीरो क्या होता है? एक फाइनाइट वैल्यू है. क्योंकि फाइनाइट वैल्यू अगर ये आ रही है, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा. अगर इसकी वैल्यू एन की वैल्यू इन्फिनिटी के साथ इस सीरीज की वैल्यू भी इन्फिनिटी आ जाती, तो उस केस में वो सीरीज क्या हो जाती है? डाइवर्जेंट. तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का आपको एक जनरल मीनिंग समझ में आया होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू. डेफिनेशन पे आते हैं. इसकी जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, उस डेफिनेशन से हम कैसे समझे कि कोई भी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट कब होगा और कोई भी सीक्वेंस जो है डाइवर्जेंट कब होगा. डेफिनेशन को पढ़िए ध्यान से. देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है. अ सीक्वेंस ए एन इज सेट टू कन्वर्ज टू अ नंबर स्मॉल एल इफ गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो. There exist a positive integer m, एक positive integer exist करेगा जो epsilon पर depend करेगा, such that modulus of a n minus l less than क्या होगा? epsilon होगा for all n greater than equal to m. अगर किसी sequence में ये condition satisfy हो जाए, तो उस case में हम बोलेंगे कि वो sequence क्या है? convergent है. और किस point की ओर वो converge हो रहा है? l की ओर. जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल आपको बताया था, उसमें जो सीक्वेंस था वो कहाँ की ओर कन्वर्ज हो रहा है? जीरो की ओर. द नंबर एल इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस. जो ये जिस पॉइंट की ओर पूरा सीक्वेंस कन्वर्ज होगा उसको हम बोलेंगे उसका लिमिट या लिमिटिंग वैल्यू, और उसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे. तो एक मोटा मोटा मैंने आइडिया आपको डेफिनेशन का दिया. अभी आपको ये डेफिनेशन उतनी क्लियर नहीं हुई होगी. मैं इस डेफिनेशन को
एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपको बता रहा हूँ, वही न्यूमेरिकल फिर से, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन इक्वल टू जीरो। अगर हमको ये प्रूव करना है तो इसको प्रूव करने के लिए होगा क्या, जो सीक्वेंस हमको दिया है, हम ये मान लेते हैं कि लेट जो ए एन है सीक्वेंस वो क्या है, वन अपॉन एन है। वन अपॉन एन है मीन्स वन, वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई फोर। पहले डेफिनेशन पर अगर हम आए तो ये बोल रहा है कि अगर हमने जो हमारा सीक्वेंस दिया था ए एन माइनस एल निकाला, इसका डिफरेंस निकाला और इसका डिफरेंस के साथ इसका मॉड निकाला, और ये क्या आ रहा है, लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि हमने इस सीरीज को एक किसी न किसी टर्म पे जा करके जब हम एल उसमें से माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद क्या होगा, जो डिफरेंस आएगा बहुत कम आएगा। तो बहुत कम आएगा तो होगा क्या, अभी जब हम स्टार्टिंग से इसमें सीरीज में डिफरेंस देख रहे हैं तो ज़्यादा डिफरेंस आएगा। यहाँ 0.5 का डिफरेंस है, फिर यहाँ डिफरेंस और कम होता जाएगा, फिर डिफरेंस और कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इन कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम होते जाएगा। तो जब एक पर्टिकुलर टर्म के बाद, ए एन टर्म के बाद हम देख रहे हैं कि डिफरेंस बहुत कम आ रहा है, तो उस डिफरेंस पे जो वैल्यू डिफरेंस वाली आ रही है उसी को हम क्या बोलेंगे, उसके लिमिट बोलेंगे। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये ए एन क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। जैसे मैं इसको अगर बात करूँ, वन अपॉन 1000 भी होगा इसमें, और वन अपॉन 1000 वन भी होगा। तो इसका डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो बहुत कम आएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये 0.5 है, फिर और डिफरेंस कम हो रहा है, तो ये जो डिफरेंस है वो कहाँ की ओर टेंड हो रहा है, जीरो की ओर। कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कहाँ की ओर टेंड हो रहा है, जीरो की ओर, यानी कि एल की वैल्यू जीरो आ रही है। तो जैसे जैसे हम आगे को बढ़ते जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर टर्म के बाद, एक पर्टिकुलर टर्म वो क्या होगा, एम एथ टर्म, एक पर्टिकुलर टर्म के बाद क्या होगा कि जो वो टर्म है और जो लिमिटिंग वैल्यू है उसका जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो डिफरेंस क्या आ रहा होगा, बहुत कम आ रहा होगा, एप्सिलॉन से छोटा। एप्सिलॉन इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और एम किस पर डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट होगा। इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरीके का आता है तो आपको उसमें सॉल्व करने का तरीका क्या देखना है, ए एन माइनस एल, एल क्या है, उसकी लिमिट है, यानी कि यहाँ पे एल की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। तो हमको क्या निकालना है, हमको इसका डिफरेंस निकालना है। क्वेश्चन से आपको पता लग जाएगा कि हमको ए एन माइनस एल क्या निकालना है। ए एन हो गया आपका वन अपॉन एन, माइनस एल क्या हो गया हमारा, जो आपको आंसर प्रूव करना है, जीरो। तो ये कितना हो गया, वन अपॉन एन, और इस वन अपॉन एन को हम क्या ले लेते हैं, लेस देन एप्सिलॉन। अगर वन अपॉन एन लेस देन एप्सिलॉन है, इट मीन्स ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर होगा तो वन अपॉन एप्सिलॉन लेस देन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब आप देखिए, अगर वन अपॉन एप्सिलॉन लेस देन एन है और हम एक एम ए क्वांटिटी ले लेते हैं, लेट एम एज अ पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर सच दैट एम जो है उसको भी हम वन अपॉन एप्सिलॉन से बड़ा ले ले रहे हैं। अब इसको ध्यान से समझिए आप, ए एन माइनस एल एप्सिलॉन से छोटा कब आ रहा है, जब वन अपॉन एप्सिलॉन एन से छोटा है। और अगर वन अपॉन एप्सिलॉन एम से भी छोटा है तो एम कोई भी एक टर्म इस सीक्वेंस में आगे आपको एक एमथ टर्म ऐसा मिल रहा होगा जिस एमथ टर्म के बाद हम ए एन माइनस एल निकाल रहे हैं, तो वो क्या आ रहा है, एप्सिलॉन से छोटा, क्योंकि हमने कंडीशन ही इस तरीके से अप्लाई की है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अलग अलग तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। आप डायरेक्टली देखना चाहें तो यहाँ लिमिट अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको खुद पता चल रहा है कि ये जो सीक्वेंस है वो कहाँ की ओर टेंड हो रहा है, जीरो की ओर। तो इसमें क्या हो रहा है कि एम एमथ टर्म के बाद ये जो ए एन माइनस एल है, यानी कि वन अपॉन एन माइनस जीरो जो है वो एप्सिलॉन से छोटा आ रहा है। तो ये डेफिनेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यहाँ पे ए एन माइनस एल जो है, एल क्या है यहाँ पे, जीरो है, इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ रही है। इट मीन्स देयरफॉर ए एन माइनस एल, यानी कि ये वैल्यू लेस देन क्या आ गया, एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इट मीन्स लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन कितना आ जाएगा, जीरो। तो आपको इसमें जो आंसर पहले से दिया हुआ है वही लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी। इसका आपको डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस क्या प्रूव करना है, एप्सिलॉन से छोटा प्रूव करना है। तो अगर एप्सिलॉन से छोटा वो डिफरेंस आ गया तो जो लिमिटिंग वैल्यू है वो लिमिटिंग वैल्यू आपको उस सीक्वेंस की मिल जाएगी। इसको अगर मैं एक्सपेंड करके देखूं, वन अपॉन एन की अगर हम बात करें,
ये तो एग्ज़ाम के लिए आपका मैथमेटिकल प्रूफ हो गया। अगर इसको हम सॉल्व करें तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। इसमें हो क्या रहा देखिए आप, ये हो गया 1, 0.5, ये कितना होगा 0.3, ये कितना होगा 0.25, 0.2, ऐसे 1/6 आएगा अगला, तो 1/6 कितना हो जाएगा 0.1। अब आप इसी को सीक्वेंस को देख के समझिए, पहले जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.5 का, अब कितना डिफरेंस आ रहा है 0.2 का, फिर कितने का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कम होता जा रहा है। तो होगा क्या, जब आप बहुत सारे टर्म्स निकालते जाएंगे, एक पर्टिकुलर टर्म के बाद जो जो इसका डिफरेंस है, वो डिफरेंस कहाँ की वो टेंड हो रहा होगा, बहुत कम डिफरेंस आ रहा होगा। तो वो जो डिफरेंस बहुत कम आ रहा है, तो वो डिफरेंस जहाँ से कम होना स्टार्ट हुआ है, उसी टर्म को हम क्या मान लेते हैं, एमएथ टर्म, कि इस टर्म के बाद जो डिफरेंस है कंजिक्यूटिव टर्म्स का, वो बहुत कम आ रहा है, और वो बहुत कम डिफरेंस ही क्या है, एप्सिलॉन से छोटा। तो जिसके बाद वो डिफरेंस बहुत कम आना शुरू हो जाएगा, वहाँ वो वैल्यू कहाँ की ओर टेंड हो रही होगी, इसमें देखिए आप वैल्यू कहाँ की ओर जा रही है, कम होते जा रही है, तो वैल्यू लास्ट में कहाँ की ओर जाएगी, जीरो की ओर। तो यानी कि लिमिटिंग वैल्यू एल क्या हो गई, जीरो। इट मीन्स द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज जीरो। यही आपको इसमें प्रूफ करना था, मैंने न्यूमेरिकली भी आपको समझाया कि एक पर्टिकुलर टर्म के बाद जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है, वो बहुत कम आ रहा होगा, वो बहुत कम आएगा जहाँ से, वहाँ से आप देखेंगे कि वैल्यू जहाँ की वो टेंड होगी, वो वैल्यू ही उसकी सीक्वेंस की लिमिट हो जाएगी। मैथमेटिकली आपको क्या करना है, जो लिमिट आपको प्रूफ करनी है उसका, और उसका एनथ टर्म का डिफरेंस निकालना है, और उसको एप्सिलॉन से कम प्रूफ करना है, और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो उस सीक्वेंस का जो लिमिट का आंसर है वो आपको मिल जाएगा। देखिए एक न्यूमेरिकल सीक्वेंस का और लिखा हुआ है, जिसमें हमने इसके लिमिट सीक्वेंस के निकालनी है, और सीक्वेंस को जो इन्फिनिटी की ओर एन की वैल्यू टेंड होगी, तो उसको आपको 1/2 प्रूफ करना है। सीक्वेंस की अगर हम बात करें, अगर हम इस सीक्वेंस की बात करें, तो ये कुछ इस तरीके से है, 1+2+3 अप टू एन अपॉन एन स्क्वायर। ये एक जनरल टर्म है इसका, तो ये एन टर्म का सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन एन प्लस वन अपॉन टू अपॉन एन स्क्वायर, एक एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या एन प्लस वन अपॉन टू एन। अब इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे, तो ये एक्सपेंड करके क्या बनेगा, पहला टर्म आएगा 1+1/2, 2/2 यानी कि 1 हो गया, फिर दूसरा टर्म क्या आएगा इसमें, 2+1 यानी कि 3/4, फिर आप 3 रखेंगे तो 4/6 हो गया, इस तरीके से टर्म्स आ रहे हैं इसमें, यानी कि 2/3 हो गया। इतना जनरलाइज करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप वो तो चेक करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इतने में छोड़िए इसको, और आप देखिए अब इसके बाद कि जो डेफिनेशन थी, उस डेफिनेशन में हमको क्या निकालना था, हमको निकालना है ए एन माइनस एल। ए एन क्या है इसका एन एथ टर्म, एन प्लस वन अपॉन टू एन, माइनस एल क्या है, जो लिमिट आपको प्रूफ करनी है वो क्या है, 1/2, तो यहाँ से 1/2 लीजिए आप, कितना आएगा ये, एन प्लस वन माइनस एन अपॉन टू एन, तो ये आ गया 1/2n, और इस 1/2n को हम मान लेते हैं कि लेस देन एप्सिलॉन है। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो 1/ε क्या हो जाएगा, वो 2 को मैंने उधर ही रखा है, एप्सिलॉन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यानी कि n जो है 1/2ε से बड़ा है। कहने का मतलब यह है कि इसका जो सीक्वेंस है, इसको आप ऐसे ध्यान से समझिए कि ए एन माइनस एल का जो डिफरेंस है एप्सिलॉन से छोटा आपको प्रूफ करना है, और एप्सिलॉन से छोटा कब बन रहा है, जब एन की वैल्यू 1/2ε के बाद, इसके मतलब कहने का मतलब यह है कि जो सीक्वेंस बढ़ रहा है, फर्स्ट टर्म आएगा, फिर सेकंड टर्म आएगा, थर्ड टर्म आएगा, जैसे एन की वैल्यू इससे बड़ी होगी इस सीक्वेंस में, तो आपका जो ए एन माइनस एल है वो एप्सिलॉन से क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा, और ए एन माइनस एल का अगर डिफरेंस का मॉड अगर एप्सिलॉन से छोटा आ गया, तो वो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, और जिस डिफरेंस को आपने माइनस किया हुआ है यहाँ पे, वही उसके लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। तो ये जो सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, ये सीक्वेंस जो है एन की वैल्यू 1/2ε से बड़ी अगर आप ले रहे हो, तो ये सीक्वेंस जो है उसमें एनथ टर्म और एल का जो डिफरेंस है वो बहुत कम होता जा रहा है। तो टेकिंग एम अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट,
हम क्या मान लेते हैं कि एम वन अपॉन टू एप्सिलॉन से बड़ा है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर, तो एम अगर टू अपॉन एप्सिलॉन से बड़ा है देन, क्योंकि वन अपॉन टू एप्सिलॉन से जो भी टर्म हम बड़ा ले रहे हैं उस केस में एन माइनस एल जो है वो क्या आ रहा है, एप्सिलॉन से छोटा आ रहा है, इसका मॉड जो है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, क्योंकि एम हमने वन अपॉन टू एप्सिलॉन से बड़ा लिया है, वन अपॉन टू एप्सिलॉन से बड़े जितने भी टर्म्स आ रहे हैं उसमें इसका जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब एल यहाँ पे है कितना, 1/2, तो लिमिट एन क्या था, ये एन प्लस वन अपॉन टू एन, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये मैथमेटिकल प्रूफ हो गया इसका कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी है और इस सीक्वेंस का जो लिमिट है वो कितनी आ रही है, 1/2। अब अगर आप इसको डायरेक्टली देखना चाहें, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन एन प्लस वन अपॉन टू एन, तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का आ रहा है, इसमें से ऊपर नीचे एन कॉमन ले लेंगे तो वन अपॉन एन और यहाँ टू बचेगा। अगर हम अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वन वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो अपॉन टू कितना आ जाएगा, 1/2। तो ऐसे आप रफली इसको डायरेक्टली चेक भी कर सकते हैं कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, कि ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस जैसे जैसे आगे को बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम इसके इन्फिनिटी टर्म की ओर जाएंगे तो उसका आंसर कितना आ रहा होगा, 1/2, यानी कि सीरीज़ कहाँ की ओर जा रही है, 1/2। और एक पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू की ओर अगर सीरीज़ जाती है, सीक्वेंस जाता है, तो उस केस में वो सीक्वेंस क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट, जो मैंने आपको अभी बताया भी था। तो ये मैथमेटिकल प्रूफ हो गया इसका, जनरल प्रूफ जो एग्ज़ाम में आपको करना है, और आप डायरेक्टली ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि सीक्वेंस का कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब होगा। वो इस तरीके के क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, जो प्रॉब्लम आती है कमेंट